हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम नवल एंड यू आर वॉचिंग मानव फीचर पॉइंट चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बॉडी पार्ट्स, उसकी बुक कैब आपको याद रखनी है। आपको पिक्चर नज़र आ रही है, पैर। डियर स्टूडेंट्स, यानी पैरों की उंगलियों को इंग्लिश में टो, टी ओ ई, टो बोलते हैं, टी ओ ई, याद रखना है। सेकेंड देखिए, आपको हाथ नज़र आ रहा होगा, यानी हाथों की उंगलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हाथों की उंगलियों को इंग्लिश में फिंगर, एफ आई एन जी ई आर, फिंगर। नेक्स्ट देखिए, ये है, क्या है बताइए, अंगूठा। तो डी स्टूडेंट्स, अंगूठे को इंग्लिश में थम, टी एच यू एम बी, टी एच यू एम बी। नेक्स्ट देखिए, ये है आपकी एड़ी। तो डी स्टूडेंट्स, एडी को इंग्लिश में हील, एच ई ई एल, हील। नेक्स्ट देखिए, ये है कलाई। डी स्टूडेंट्स, कलाई को इंग्लिश में रिस्ट, डब्ल्यू आर आई एस टी, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है कोहनी। स्टूडेंट्स, कोहनी को इंग्लिश में एल्बो, ई एल वी ओ डब्ल्यू। ये देखिए, ये लड़की है, ये लड़की के बारे में बता रहे हैं, ये है गला, नहीं लड़की का गला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रॉट, टी एच आर ओ ए टी। नेक्स्ट देखिए, गाल। डी स्टूडेंट्स, गाल को इंग्लिश में चीक्स बोलते हैं, सी एच डब्ल्यू के एस, चीक्स। नेक्स्ट देखिए, घुटना। डी स्टूडेंट, घुटने को इंग्लिश में नी बोला जाता है, के एन डब्ल्यू। नेक्स्ट देखिए, तलवा। डी स्टूडेंट्स, तलवा को इंग्लिश में शोल, एस ओ एल ई। दाढ़ी। डी स्टूडेंट्स, दाढ़ी को इंग्लिश में बियर्ड, बी ई ए आर डी, क्लियर हुआ। डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ये है नाखून। डी स्टूडेंट्स, इनको इंग्लिश में नेल बोला जाता है, एन ए आई एल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डी स्टूडेंट्स, ये है पलक। डी स्टूडेंट्स, पलक को इंग्लिश में आई लिड बोला जाता है, ई वाई एल आई डी। ये है नाभि। तो डी स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेवल, एन ए वी ई एल। नेक्स्ट देखिए डी स्टूडेंट्स, आपको गौर से देखना है, ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगी, गौर से देखोगे तो। देखिए, ये डी स्टूडेंट्स, पुतली। डी स्टूडेंट्स, पुतली को इंग्लिश में बोलते हैं आई बॉल, ई वाई बी ए डबल एल। नेक्स्ट देखिए, हथेली। डी स्टूडेंट्स, हथेली को इंग्लिश में पाम, पी ए एल एम, पाम, पी ए एल एम। नेक्स्ट देखिए, ये है मुट्ठी। डी स्टूडेंट्स, मुट्ठी को इंग्लिश में फिस्ट, एफ आई एस टी, फिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये है आंसू। आंसू को इंग्लिश में टीयर्स बोलते हैं, टी ई आर एस। नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब होता है उभासी। ये बच्चा जो दिखा रहा है उभासी ले रहा है, तो उसको इंग्लिश बोलते हैं यौन, वाई ए डब्ल्यू एन। नेक्स्ट देखिए, ये कंडीशन हो गई छींकना। तो डी स्टूडेंट, छींकना, छींकने को इंग्लिश बोलते हैं स्नीजिंग, एस एन डबल ई जेड आई एन जी। नेक्स्ट देखिए, डकार। डकार को इंग्लिश बोलते हैं बेल्चिंग, बी ई एल सी एच आई एन जी, वेल्चिंग। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स, बाउंड, डब्ल्यू एन डी, इसका मतलब होता है घाव। क्या होता है? घाव। नेक्स्ट देखिए,
गंजा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाल्ड, BALD। खुजली, डी स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HITCH। डी स्टूडेंट्स, आपको बारीक रूप से समझना है और याद रखना है पिक्चर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, खांसना, डी स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यानी खांसी को बोलते हैं कफ, CUGH। नेक्स्ट देखिए, पसीना, डी स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट। सब्सक्राइब।